very easy to carry, easy to place, easy to maintain. How? So yeah, ये एक्चुअली काम की चीज़ है, हैंडल विथ केयर. यहाँ पे मेंशन है हैंडल विथ केयर. मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रही थी बट मैं मंगवा नहीं पाई. अंदर किचन का कुछ आइटम है जो कि थोड़ा सा डेलिकेट है. मैं तो काफ़ी ज़्यादा टेप वेप लग के आया है. क्या करना चाहिए आप लोग सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी दोनों चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अलग आई हैं. हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ नेहा एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे. सो या अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव हो चुकी है. फेस्टिवल इज ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर. बहुत सारे फेस्टिवल तो निकल भी चुके हैं और अभी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए अमेजोन की बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट वाली सेल लाइव हो चुकी है, जहाँ से आप बहुत अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, ना केवल फैशन होम बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको काफ़ी अच्छी डील और डिस्काउंट्स में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. और मैंने भी अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग की है, कुछ होम डेकोरेशंस हैं और कुछ होम एसेंशियल होल है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परचेज करनी भी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए सेल अभी स्टार्ट हो चुकी है तो परचेज कर लेते हैं. और इनमें से कुछ आइटम हैं जिनकी मैं अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं मुझे ये सारे आइटम एक साथ रिसीव नहीं हुए. फिर क्या होता है ना कि डेट निकल जाती है. मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि रिटर्न और रिप्लेसमेंट की डेट निकल जाती है. बहुत बार प्रोडक्ट डैमेज भी आता है और बहुत बार प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, कई बार डैमेज प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, फिर आप उनको रिटर्न और रिप्लेसमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो या कुछ आइटम जो मुझे पहले रिसीव हो चुके थे वो मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, एंड कुछ आइटम्स हैं जिनको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है. सो या लेट्स ओपन दिस ह्यूज अमेजोन होल. सबसे पहले जो आइटम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल होम डेकोरेशन पीस. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ आर्टिफिशियल प्लांट जो कि इस वक्त यहाँ पे रखा हुआ है. मैं क्विकली उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था. सो ये काफ़ी नाइस पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था. आप देख ही सकते हो इस तरह की एक लॉन्ग बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुआ था. इसकी ये है आर्टिफिशियल मॉन्स्टेरा प्लांट जो कि ओरिजिनल काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे प्लांट्स का शौक बहुत है बट मुझसे बहुत ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस नहीं होती है. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप आर्टिफिशियल भी परचेज कर लो, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार जैसे मुझे शूट करना है या बैकग्राउंड में कुछ प्लेस करना है, तो दिस इज़ वेरी इजी टू कैरी, इजी टू प्लेस, इजी टू मेंटेनेंस. तो मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो इस बार मैंने सेल से परचेज किया ये आर्टिफिशियल मॉन्स्टेरा प्लांट जो कि काफ़ी सुंदर है. और मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि ये साइज में लिखा हुआ था कि बड़ा है, तो मुझे लगा था काफ़ी थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट ये साइज में यू नो इस तरह का ही आया है. आफ्टर ओपनिंग दिस, तो ये जो नीचे का ब्लैक बेसिक सा पोर्ट इसके साथ आया है ये अलग से आया था इसमें, फिर ये जो लगाने का पार्ट था नीचे का वो था, और फिर ये सारी लीव्स ना अलग अलग आई थी. तो फिर इनको एक एक करके इसमें बहुत इजीली ये इंसर्ट हो जाती है, तो मैंने इंसर्ट किया. और आफ्टर यू नो इसको मैंने पूरा जब असेंबल कर लिया तो ये कुछ इस तरह का दिखता है. काफ़ी नाइस है. प्राइस वाइज बोलूँ तो यू नो ओके ओके है. आई थिंक ये मुझे 1100 के आसपास पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट. अभी क्या ओरिजिनल प्राइस है, एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ चीज़ों के 2 वीक हो गए ये सारी चीज़ें रिसीव हुए, तब मैं आपके साथ ये होल शेयर कर रही हूँ. सो हो सकता है प्राइजेस थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, कुछ प्राइजेस आपको कम भी मिल सकते हैं, कुछ प्राइजेस आपको ज़्यादा तो वैसे नहीं मिलेंगे, बट हो सकता है थोड़े से प्राइजेस में वेरिएशन आपको मिलेगा. बट चीज़ें यू नो आपको सारी अच्छी डील और डिस्काउंट्स में मिल जाएंगी. तो ये कुछ मुझे 1100 के आसपास मिला था और मुझे लगता है आई थिंक इट्स गुड इसको. लेकिन मुझे एक थोड़े से हैवी पोर्ट में रखना पड़ेगा, एक और पोर्ट मुझे लेना पड़ेगा जिसमें मुझे इसको थोड़ा सा अच्छे से प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं ना तो ये स्टेबल नहीं है, ये गिर रहा है बार बार. तो ये एक थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट मुझे लगा, या तो इस पर कुछ हैवी से स्टोन वगैरह डाल दो, या फिर मैं इसको हैवी से एक बड़े से थोड़े से सुंदर से सिरेमिक के पोर्ट में इसको रखने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे.
तो ये कुछ इस तरह का है, काफी सुंदर सा लग रहा है। इन प्लांट्स की एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ये काफी इजी होते हैं, आप इनको कैरी कर सकते हो, आपको कहीं इधर उधर मूव करना है ना तो आप इनको ले जा सकते हो, डिसमेंटल करके काफी इजी होता है। दूसरा, आप इन्हें जब भी गंदे होते हैं तो वॉश कर सकते हो, इनको पानी से अच्छे से वॉश करके आप इनको ड्राई करके वापस से लगा सकते हो। इसीलिए मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स ज़्यादा पसंद है, यू नो, मतलब ओरिजिनल प्लांट्स की तो बात ही अलग होती है, बट हर समय उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा, यू नो, एक बच्चे की तरह केयर करनी होती है हमें प्लांट्स की, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने कुछ एक प्लांट्स, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी आपके स्पेशली जब आप इंडोर डेकोरेशंस करते हो तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। सो दिस इज़ दी वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट पीस जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पीस जो कि अगेन एक होम एसेंशियल है, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। इसको मैंने अभी अनबॉक्स नहीं किया है, ये मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है। हाउ सॉरी, काम की चीज है, मैं काफी टाइम से इसको देख रही थी बट मैं मंगवा नहीं पाई, तो मैंने इस बार मंगवा लिया। इस तरह की पैक, देयर इज अ बिल इनसाइड दिस पैकेट। ये है कुछ इस तरह का की चेन होल्डर, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मैंने बहुत सारे पहले भी देखे हैं, तो इस बार सोचा फाइनली मंगवा ही लेती हूँ। दिस कॉस्ट मी 299 और ये कुछ इस तरह का की चेन होल्डर है। ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक एंड कुछ इस तरह का मस्टर्ड, डार्क मस्टर्ड कलर में है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्क्रीन पे साइड में आपको सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगी। इसका जो ओरिजिनल फोटो है, इसकी जो डिटेल है, वो भी आपको साथ के साथ स्क्रीन पे मिल जाएगी, जिसमें प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन है। क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड आइटम जो कि इस तरह की नाइस पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, हैंडल विद केयर। यहाँ पे मेंशन है हैंडल विद केयर बिकॉज इसके अंदर भी इसके अंदर किचन का कुछ आइटम है जो कि थोड़ा सा डेलिकेट है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। कई बार क्या होता है ना, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि आइटम जो है ना, ब्रोकन आइटम मुझे रिसीव हुआ है, तो वो उस केस में क्या होता है ना, मुझे देखना होता है खोल के कि आइटम आपको ब्रोकन रिसीव हो रहा है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा यू नो रिटर्न और एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हो। नाइस पैकेजिंग में हमें रिसीव होता है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या मैंने मंगवाया है। ओ माई गॉड, तो यहाँ ये कुछ इस तरह की आई थिंक 3 ट्रे का, वुडन ट्रे का सेट है। मैं काफ़ी टाइम से ये ट्रेस देख रही थी और मुझे लेना भी थी अपने किचन के लिए। सो हमने 12 साल पहले एक्चुअली हमारा जब किचन सेटअप किया था शादी के टाइम, तब हमने ट्रे परचेज किया था। उसके बाद कोई परचेज ही नहीं किया और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता था, क्योंकि हम लोग कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर, यू नो शिफ्ट होते रहते थे, इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है। पर इस बार मैंने सोचा है कि मुझे चेंज करना है, दिवाली भी आ रही है, यू नो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती घर के लिए जो आप परचेज करते हो। सो मैंने इस बार वुडन ट्रे परचेज किया, देखते हैं इसकी क्वालिटी और किस तरह का ये निकलता है। पिक्चर में तो काफ़ी सुंदर ये शो हो रहा था और इसका डिज़ाइन, इसमें और भी पैटर्न्स अवेलेबल हैं तो आप चेक कर सकते हो अमेज़ोन पे। और ये मुझे आई थिंक एग्जैक्टली मुझे प्राइस तो नहीं ध्यान, ये कुछ इस तरह का 3 का सेट है। अभी मैं आपको पूरा निकाल के बताती हूँ कि किस तरह का ये सेट है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आप ही के सामने इसको ओपन किया है। सो ये 3 का सेट है और इसमें जो अंदर के एक्चुअली प्रिंट्स हैं ना, वो आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। इसमें लाइट और डार्क शेड्स भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये आई थिंक मुझे 1500 या 1600 के आसपास मिला है आफ्टर डिस्काउंट, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लिंक्स मैं दे दूंगी तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या दिया इन्होंने इसके साथ, ये तो था नहीं कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो, ये इस तरह का कुछ इसमें ये अलग से रिसीव हुआ है, ये ऐसा कुछ पिक्चर में था नहीं। इसके बाद हमको मिलता है ये एक अमेज़ॉन का हैप्पी वाला कार्ड एंड या दिस इज दी वुडन ट्रे सेट। इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, एज यू कैन सी क्लियरली इन दिस वीडियो। हाथ लेने पे, टच करने पे, जैसा मैं फील कर पा रही हूँ अभी, तो मुझे इसकी क्वालिटी यू नो अच्छी दिख रही है।
यूज करने पे पता लगेगा कि कैसा। अच्छा ये जो अंदर जो लगा है ना, ये मुझे लगा था प्रिंट है बट ये पेपर है, तो ये अगर खराब हो गया तो पता नहीं फिर ये कैसा लगेगा। तो ये पेपर इस पे चिपका हुआ है, आई थिंक ये पेपर निकलने के बाद ये प्लेन हो जाएगा। ये जो है मुझे ऐसा लगा था कि ये प्रिंट है बट ये प्रिंट नहीं है, ये पेपर इसमें अलग से लगा हुआ है। और ये वाले डिजाइन का मैं आपको बोल रही थी कि उसमें इसमें बहुत सारे यू नो ऑप्शंस अवेलेबल है जो अंदर का पेपर है, बट ये पेपर से फिर मजा नहीं आया क्योंकि ये प्लेन हो जाने वाली है। और इसमें हैंडल्स हैं दोनों साइड, तो ये हैंडल वाला ऑप्शन था इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया। सो दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन का सेट है, तीन का सेट है। 1600 या 1700 के आसपास हमें ये रिसीव हुआ है। सो दिस इज द नेक्स्ट ब्यूटीफुल आइटम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, इसको भी मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है। दिस इज ऑल्सो किचन आइटम, मतलब ये किचन का ही एक पार्ट है। चलिए देखते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। इसमें तो काफी ज्यादा टेप वेप लग के आया है इसमें। इसको निकालना इतना मुश्किल हो रहा है। आई अच्छी बिकॉज ये थोड़े से महंगे आइटम है और एक्चुअली एक वुडन ट्रे है। अगेन मैंने एक थोड़ा सा वाइट सा, नॉट वाइट सा, वाइट सा कलर है जो मैंने मंगवाया है। ये काफी सुंदर मुझे दिख रहा था बट ये पता नहीं कैसा है। साइज जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही आया है। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से बनवा के मैं लेके आई हूँ। काफी अच्छी क्वालिटी इसकी मुझे दिख रही है। और आप देख रहे हो इसमें इस तरह से साइड में डिजाइन है, बीच में तो ये बिल्कुल ऐसा प्लेन सा वाइट सा आया है जिसमें जिसको अभी बनाया ही हो ऐसा लग रहा है। क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। प्राइस मुझे इसका एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये भी अगेन हैंडल वाला था तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जैसे हम प्रोडक्ट वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं वीडियोस में। तो मैंने इसको मंगवाया है उसी पर्पज से, मतलब ये मल्टीपर्पज है। यू नो आप इसको डेकोरेशन के हिसाब से भी यूज कर सकते हो और वैसे भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का ट्रे है। साइड से इसमें दोनों साइड इस तरह के यहाँ पे और इस साइड में डिजाइन है, बाकी साइड ये दोनों साइड प्लेन है। तो क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है बट ये मुझे अंदर से एक तो बहुत ज्यादा प्लेन है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। साइड में ही सिर्फ इसमें डिजाइन है, अंदर कुछ ऐसा डिजाइन होता तो अच्छा लगता। और क्वालिटी तो बहुत अमेजिंग है इसकी, काफी ज्यादा यू नो इसकी थिकनेस हैवीनेस भी अच्छी है। तो क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अमेजिंग लगी, हैंडल्स भी अच्छा लगा। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा बट अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक सा है। क्या करना चाहिए आप लोग सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी दोनों चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अलग आई हैं। तो आई डोंट नो कि क्या करना है अभी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो कि है कुछ इस तरह के सिरेमिक के जार, जिनको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी थी। ये मुझे काफ़ी टाइम पहले रिसीव हो गए एक्चुअली, तो इनका भी एक्चुअली मल्टी यूज़ है। ये दोनों सिरेमिक के हैं बट साइज़ मैंने जो इसमें एक्सपेक्ट किया था वो साइज़ इसका नहीं निकला, काफ़ी छोटा साइज़ इसका निकला। और ये दो इस तरह के पीस है, काफ़ी सुंदर सा तो वैसे पीस लग रहा है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। ऑल दो कलर काफ़ी प्रिटी है, मस्टर्ड येलो कलर जैसा मुझे पिक्चर में शो हो रहा था, इमेज जैसा शो हो रही थी ये वैसा ही निकला है। बस साइज़ का थोड़ा सा मुझे लगा कि छोटे हैं। तो आप इसमें कुछ स्टोरेज का, किचन स्टोरेज का सामान भी रख सकते हो और इसको एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही पर्पसेस को सोचा है, अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी तक तो ऐसे ही रख रखा है, इसमें मैंने कुछ फिल नहीं किया है। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे लगे काफ़ी सुंदर हैं। हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्टिव लगा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस है। दिस कॉस्ट मी 499 के ये दो पीस मिल जाते हैं आपको, आई थिंक इट्स गुड। सो है सिरेमिक के दोनों, काफ़ी सुंदर से पीस हैं। तो ये दो पीस हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, आई थिंक दिस अमेजोन ऑल का ये लास्ट आइटम है। इसके बाद मैं दो तीन पीसेज और शेयर करूंगी जो मैंने यहाँ के इंदौर के लोकल मार्केट से परचेज किए। होलसेल मार्केट है लेकिन वो रिटेल में भी आपको कुछ चीज़ें यू नो अभी जैसे फेस्टिवल की सेल लगी हुई है तो काफ़ी अच्छी डील्स में मुझे वो पीसेज मिले हैं। तो ये अमेजोन ऑल का लास्ट आइटम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मंगवाया है बैंगल होल्डर इसको बोलते हैं। ये भी वुडन का है। सो या
ये कुछ इस तरह का है, मैंने इसको अभी तक असेंबल नहीं किया है जस्ट बिकॉज कि जैसा मैंने आपको बताया, अच्छा हुआ मैंने इसको ओपन कर लिया। इसमें ना यहाँ साइड से एक जिसमें इसको जब इसको असेंबल करोगे तो वो होल में इसमें कुछ लगा हुआ है लकड़ी का, तो आप बहुत ज़्यादा अगर उसको प्रेस करते हो वो टूटने का डर रहता है, तो ये इसलिए ये असेंबल नहीं हो पाया। बट इसकी इमेज मैं शो कर देती हूँ कि असेंबल करने के बाद ये कैसा लगेगा। ये पूरा वुडन का है और ये कुछ इस तरह का है, ये देखिए आपको मैं क्लोज से दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का इसमें डिज़ाइन है। तो ये कुछ ऐसे मिरर से स्टोन लगे हुए हैं, कलरफुल स्टोन लगे हुए हैं, पूरा वुडन का है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट एक जो होल्डर है उसमें थोड़ा सा ये इस तरह के जो ये होल्डर हैं जो इसमें असेंबल होते हैं, सो इसके साथ ये कुछ इस तरह के हैं जिनमें आप बैंगल प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना वो जा नहीं रहा है, तो वो मुझे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा ये तो मैं इसको एक्सचेंज करवाऊंगी। तो ये इसके साथ होल्डर आते हैं एंड दीज टू जो आप इसमें असेंबल करके ईजिली असेंबल हो जाते हैं और इसको लगा सकते हो, सुंदर सा लगता है। इसमें मैंने बैंगल्स प्लेस करने के लिए मंगवाया है, मुझे अच्छा लगा ये। आई थिंक दिस कॉस्ट मी अगेन 399 का ये कुछ मुझे पड़ा है, पूरा वुडन का है कि लोकल मार्केट से परचेज किया है। यहाँ पे भी लोकल मार्केट्स पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो दिस इज़ दी फर्स्ट आइटम जो मैंने यहाँ के लोकल मार्केट से लिया। एक मिनी डस्टबिन है जो मैंने अपने बाथरूम के लिए लिया है। सो ये देखिए कुछ इस तरह का एक मिनी डस्टबिन है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी अच्छी है, नाकोड़ा का है, नाकोड़ा के प्लास्टिक्स अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने लिया है कुछ इस तरह का कटलरी होल्डर, मैं बहुत टाइम से देख रही थी, मैंने स्टील में भी देखा है। अभी मैंने जो अपनी कटलरी वो एक ही एक डीमार्ट से एक ऐसा लिया था मैंने होल्डर, उसी में मैंने सारी कटलरी रख रखी। तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है उसमें से सारी चीज़ें अलग अलग, जैसे उसमें से आप नाइफ आपको चाहिए, स्पून आपको चाहिए, फोक आपको चाहिए, तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस हो रही थी। इसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं, 5 सेक्शंस, ये देख रहे हो आप, एक सेंटर में है और 4 आजू बाजू में है। तो इसमें आपको सेक्शन मिलते हैं जिससे आपकी सारी कटलरी अच्छे से असेंबल होती है, इजी रहता है आपको लेना इसमें से, इसलिए मैंने ये वाला एक लिया है। और ये जो आइटम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, जब जिस शॉप से लिया है उसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कॉन्टेक्ट नंबर एंड नेम वगैरह। तो यहाँ पर सेल लगी हुई है, आपको हर एक आइटम ये जो उन्होंने सेल में लगाया हुआ है आपको हर आइटम 100 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये भी मुझे 100 में मिला है और ये जो मिनी डस्टबिन है ये भी मुझे 100 में मिला है। इसके अलावा हमने 2 बड़े बड़े जो प्लास्टिक के बॉक्स हैं जिनमें आप बिस्किट्स, नमकीन या आपको जो भी चीज़ें स्टोरेज करनी है किचन की वो कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 मैंने ये इस तरह के बॉक्सेस लिए हैं, अगेन दिस कॉस्ट मी 100 रुपीज़। तो ये एक डिब्बा 100 रुपीज़ का है, तो मैंने इस तरह के 2 बॉक्सेस लिए हैं। ये स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, आप देख सकते हो जैसे हम किसी भी चीज़ का हमने पैकेट खोला, बच्चों के लिए जो आइटम्स होते हैं बिस्किट वगैरह, कुरकुरे वगैरह, हमने पैकेट खोला, फिर वो खोलने के बाद अगर आप उसको अच्छे से प्लेस नहीं करते हो तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह के स्टोरेज बॉक्स हमने लिए हैं, ये 100 रुपीज़ ईच हमें मिले हैं। सारी चीज़ें आपको ट्रे वगैरह भी इनके पास, घर के जितने भी सामान होते हैं ज़रूरी, वो आपको 100 रुपीज़ की इनके यहाँ सेल लगी हुई है, तो आपको सारी चीज़ें 100 रुपीज़ में मिलेंगी। ये एक और लास्ट आइटम है जो मैं बाथरूम के लिए है, यहाँ पर वो ही बाथरूम होल्डर है जिसमें आप अलग अलग जो भी चीज़ें आप प्लेस करना चाहते हो रख सकते हो पीछे, यहाँ पे हैंग करने के लिए इसमें होल हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं जिसमें आप चीज़ें आराम से प्लेस कर सकते हो। कलर काफ़ी नाइस है, क्वालिटी काफ़ी नाइस है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो दीज 4 to 5 आइटम्स जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं इस बार घर के लिए, दिवाली के लिए। सो इस बार आप लोग क्या क्या शॉप कर रहे हो दिवाली के लिए, अपने घर के लिए, होम डेकोरेशन के लिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इनमें से कौन सा आइटम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। Hope you enjoy this haul. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. See you soon in my next one. Till then, bye. Take care. Thanks for watching.